नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र के लिए हर दिन 80 आवेदन जो है वो जा रहा है। ये बड़ी अपडेट पटना से जो है वो प्रकाशित किया गया है। बिहार के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए हर दिन मुख्यालय में आवेदन कर रहे हैं। लगभग 80 शिक्षक हर दिन खुद शिक्षा विभाग में उपस्थित होकर या फिर डाक मेल के जरिए आवेदन कर रहे हैं। इसके साथ ही जिले के अंदर ट्रांसफ़र के लिए 20 से 30 शिक्षक हर दिन डीओ कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इन शिक्षकों की प्राथमिकता पटना जिला है और अधिकांश शिक्षक पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ ही फुलवारी शरीफ, दानापुर, पटना सिटी में ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, जबकि दूसरी प्राथमिकता हाजीपुर, गया और जहानाबाद जिला है। इसके साथ ही यूपी निवासी शिक्षक अपना ट्रांसफ़र बक्सर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वाल्मीकि नगर, कैमूर में चाह रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन पर रोक लगा दी है, नोटिस जारी किया है। ट्रांसफ़र की नीति बनेगी। शिक्षकों के ट्रांसफ़र का मुद्दा मानसून सत्र के दौरान विधानमंडल में भी उठा था। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की नीति निर्धारित के लिए कमेटी बनाई गई है। रिपोर्ट के आधार पर ही ट्रांसफ़र की नीति बनेगी। कमेटी अगस्त के अंतिम सप्ताह में विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं ट्रांसफ़र के लिए अधिकांश शिक्षकों ने परिवार को आधार बनाया है। उन्होंने छोटे बच्चे, पति या पत्नी के दूसरे शहर में रहने, माता पिता के बुजुर्ग या फिर बीमार होने का कारण जो है वो बताया है। तो आप सभी देख रहे हैं, ट्रांसफ़र को लेकर के शिक्षा विभाग में प्रत्येक दिन जो है वो शिक्षक पहुंच रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, अपनी परेशानी को बता रहे हैं। तो शिक्षा विभाग भी इस पर काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये कहा गया है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार किया है उसमें कुछ संशोधन करते हुए अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जो है वो विभाग को रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा और उस पर जो है वो पहल किया जाएगा। आप सभी ये भी जानते हैं कि अभी जो हमारे नए अपर मुख्य सचिव जी हैं वो भी इसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं। वो चाहते हैं कि सभी का ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हो, क्योंकि इसमें बीपीएससी TRE-1 और TRE-2 में लगभग 2 लाख साथी हमारे चयनित हुए हैं और एक जिला से दूसरे जिला ज़्यादातर जो है वो इसी में आए हैं। तो जो पहले से हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग होना, स्थानांतरण होना जरूरी है। बहुत दिन हो गया है उनका भी। तो सरकार चाहती है कि विशिष्ट शिक्षक जो बनने जा रहे हैं उनका भी ऐच्छिक स्थानांतरण हो, बीपीएससी वाले जितने शिक्षक हैं उनका भी हो और नियोजित का भी हो। तो इस पर जो पॉलिसी तैयार किया जा रहा है वो एक ही नीति पर काम करने वाली है, ये बात आप सभी जान लीजिए। तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक कमेटी के द्वारा ये ट्रांसफ़र नीति पर रिपोर्ट जो तैयार किया गया है वो हम सभी के बीच में आने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई जा रही है। आप सभी बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ। मैं ये चाहता हूँ कि बिहार के तमाम जितने भी शिक्षक हैं उनका ऐच्छिक स्थानांतरण हो। इससे क्या होगा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से भी कोई कमी नहीं रहेगी। आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ। पल पल के अपडेट में आप सभी को शिक्षा विभाग का देता रहूँगा विश्वास दिलाता हूँ। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। सधन्यवाद साथियों।